वेक्टर्स वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। इसके अलावा वो क्वांटिटीज़ हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इसके अलावा क्वांटिटी का एग्जांपल हो गया जैसा टाइम। टाइम बताते वक्त हमको डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है। वजन बताते वक्त हमको डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से वेक्टर्स, वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि धक्का दो, 100 न्यूटन का धक्का दो, तो आपका अगला सवाल होगा कहाँ, किस तरफ देना धक्का। धक्का तो हम दे देंगे, पर बताओ तो सही कहाँ देना है धक्का। तो यहाँ पर आप मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पूछ रहे हैं। जैसा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता। अगर आपको सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता पकड़ना है तो आपको एक प्रॉपर उसी ट्रैक पे चलना होगा, उसी डायरेक्शन में चलना होगा, तभी जाकर के आप वो शॉर्टेस्ट रास्ता दे पाए ले पाएंगे। ऐसे तो नहीं होगा ना कि दो पॉइंट के बीच में आप रैंडमली कहीं पर भी जा रहे हैं और आप कहेंगे कि हम मैंने सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता ट्रैवल किया। नो, तो शॉर्टेस्ट रास्ते के लिए आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन में जाना होगा, करेक्ट। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब डिस्प्लेसमेंट से बनता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक बार जरा यहां पर लिख लेते हैं कि जो स्केलर हैं, स्केलर वो क्वांटिटी है जिनमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, एंड वेक्टर्स वो क्वांटिटी है जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल अभी लिया था फोर्स का, कि चलो एक काम करो बच्चे लोग, फोर्स दो, कितने का फोर्स देना है, चलो आप एक काम करो आप 10 न्यूटन का फोर्स दे दो। तो अगला सवाल आप क्या पूछेंगे कि कहाँ दें हम लोग धक्का। तो मैंने आपको बोला कि एक काम करो आप लोग 10 न्यूटन का फोर्स दो टूवर्ड ईस्ट। अब 10 न्यूटन का फोर्स दे दीजिए टूवर्ड ईस्ट। तो यहाँ पर ये जो टूवर्ड ईस्ट है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि ये जो 10 न्यूटन है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड। तो देखो, फोर्स दो कंपोनेंट से बना है, एक मैग्नीट्यूड से और एक डायरेक्शन से। इसी चीज को जब आप वेक्टर के फॉर्म में लिखते हो तो आप इसे लिखेंगे एफ, एफ के ऊपर बना देंगे एरो, एफ के ऊपर बना देंगे एरो। एरो मतलब कि ये वेक्टर है। अब मैग्नीट्यूड यहां पर क्या है, 10 न्यूटन है। एंड टूवर्ड ईस्ट, तो मैंने यहां पर लिख दिया ईस्ट और इसके ऊपर मैंने एक ऐसा मार्क बना दिया, कैप बना दिया मैंने इसके ऊपर। तो ये जो कैप वाला पोर्शन है, ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन, एंड ये जो आगे का हिस्सा है, ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड, दिस इज रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड। तो 10 न्यूटन का फोर्स देना है टूवर्ड ईस्ट। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि सर ये कैप का मतलब क्या है। देखो, यहां पर आपको कैप की जरूरत नहीं है क्योंकि आप जानते हैं कि ईस्ट की तरफ हम लोग जा रहे हैं और ईस्ट इज अ डायरेक्शन, राइट। इसलिए आपको कैप की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम किसी पेपर में इस चीज को डिस्क्राइब करते हैं तो हमको कैप की जरूरत पड़ती है। जैसे देखो, समझो इस चीज को, ये एक ग्राफ बना रहा हूं मैं, दिस इज द ग्राफ। ये देखिए, मैंने एक ग्राफ बनाया। अब जानते हैं कि इस ग्राफ में ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस एंड ये माइनस वाई एक्सिस। आज तक जो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डील करते आए थे, उसी के हिसाब से भी हम लोग को यहाँ पर डील करना है। सेम है, कुछ अलग नहीं है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि बच्चे लोग आप लोग फोर्स दीजिए 10 न्यूटन का टुवर्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा, ओके, मतलब हमको 10 न्यूटन का फोर्स देना है। सी, द फोर्स इज 10 न्यूटन टुवर्ड ईस्ट, है ना, 10 न्यूटन टुवर्ड ईस्ट। तो ये आप ईस्ट मतलब राइट साइड को, है ना। अच्छा, फिलहाल यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ 10 न्यूटन टूवर्ड एक्स एक्सिस की तरफ। अब देखो, यहाँ पर मुझे एक्स के ऊपर ऐसा एरो मार्क बनाना होगा, क्योंकि देखो नोटबुक में जो हम डिवाइड करते हैं नोटबुक को, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से करते हैं। देखो, जहाँ पर आप अर्थ में रह रहे हो, तो अर्थ में तो हम लोग नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट के हिसाब से चीज़ों को डिवाइड करते हैं। अगर किसी ने मुझसे पूछा कि भाई बताओ दिल्ली कैसे जाना है, तो मैं बताऊंगा नॉर्थ की तरफ चले जाओ, दिल्ली आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम लोग कैसे बताएंगे, यहाँ तो कोई नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट ऐसा नहीं है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर लिखा कि फोर्स इज 10 न्यूटन एक्स के ऊपर, ऐसा कैप बना दिया। इसका मतलब क्या है, मतलब यह है कि ये जो पार्ट है ना जिसके ऊपर मैंने कैप बनाया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन, बाकी 10 न्यूटन क्या है, इट इज द मैग्नीट्यूड। अच्छा, अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं कि बच्चों जो फोर्स है, जो सवाल है मेरा कि देखो ये जो फोर्स है, इट इज 5 न्यूटन, दिस इज 5 न्यूटन वाई के ऊपर कैप, 5 न्यूटन वाई के ऊपर कैप। अब जिसके ऊपर कैप लगा होगा उसका मतलब वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन। तो ये जो वाई है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन। तो अब मुझे बताओ, अगर मुझे यहां पर रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। सो दिस विल बी लाइक दिस, कि ये देखिए, ये है
फोर्स इक्वल टू 5 न्यूटन, और कहाँ की तरफ जा रही है, y की तरफ, तो ये मैंने y के ऊपर लगा दिया कैप, y के ऊपर मैंने लगा दिया कैप, ठीक है। ऑल राइट, एक और जैसे मैंने आपको बोला कि देखो ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है ये है -20 टुवर्ड x के ऊपर कैप, -20 x के ऊपर कैप लगा दिया मैंने। अब देखो ये जो x के ऊपर कैप लगा दिया इसका मतलब ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन फोर्स है -20, क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं, फोर्स इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स के ऊपर कैप, क्या इस चीज को ऐसा लिखा जा सकता है। और माइनस एक्स का मतलब क्या हो गया कि नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जा रहा है, इसका मतलब ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है दिस इज लाइक दिस, एफ इक्वल टू 20 जो कि माइनस एक्स की तरफ जा रहा है, समझ में आ रहा है। माइनस एक्स का मतलब उल्टा डायरेक्शन हो गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो गया, प्लस एक्स मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो गया। उसी तरीके से अगर मैं बोलता हूं कि द फोर्स इज, लेट से मैं अगर बोलता हूं कि जो फोर्स है वो है 15 माइनस 15 वाई कैप, तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू 15 और ये हो जाएगा माइनस वाई और इसके ऊपर कैप। तो समझ जाइए कि जो फोर्स है वो नीचे को लग रहा है और ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू कितनी है, 15 न्यूटन इन द नेगेटिव वाई, इन द नेगेटिव वाई, करेक्ट, नेगेटिव वाई। तो ये बात समझ रहे हो आप, ये जो कैप है, कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन, कैप जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन। सपोज अगर मैं कैप ना लगाऊं तो क्या होगा, अगर मैं कैप ना लगाऊं तो क्या होगा, तो लो एक और एग्जांपल जैसा लिख लेते हैं। मैंने लिखा फोर्स इज इक्वल टू 20x, कैप नहीं लगाया मैंने, मैंने यहां पर कैप नहीं लगाया, इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि जो फोर्स है वो एक वेरिएबल क्वांटिटी है, क्या पता चल रहा है उससे कि फोर्स जो है वो एक वेरिएबल क्वांटिटी है। अगर आप x की वैल्यू 0 कर देंगे इसका मतलब फोर्स 0, x की वैल्यू 1 कर देंगे तो फोर्स 20 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 कर देंगे तो फोर्स 40 हो जाएगा। अगर आपने x के ऊपर कैप नहीं लगाया तो वो डायरेक्शन नहीं बता पाता है, फिर वो यहां पर डायरेक्शन नहीं बता पाता है, क्लियर है। तो कैप लगाते ही समझ जाते हैं हम लोग कि भाई वो कोई वेरिएबल नहीं है, वो जस्ट डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको मल्टीप्लाई मत कर देना मैग्नीट्यूड के साथ। नॉर्मली हम लोग करते हैं ना, एक कांस्टेंट होता है, एक वेरिएबल होता है, जैसा आप बोलते हैं ना y इक्वल टू 2x प्लस 3, तो हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं कि x की वैल्यू इनपुट करो तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस 3 करो तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर x एक वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जैसे मैंने x के ऊपर कैप मार दिया, समझ जाइए कि इट इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन, राइट, क्लियर हुआ ये कैप क्यों लगाते हैं हम लोग। दूसरी चीज आप एक चीज समझिए, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि हर बार आपको कांस्टेंट फोर्स ही दे, जैसे मैं यहां पर बोल रहा हूं, लेट्स से, अच्छा इसको मैं मिटा देता हूं, जैसे देखिए ये फोर्स, देखिए यहां पर F इक्वल टू 10 न्यूटन x के ऊपर कैप है, फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन x के ऊपर कैप है, मतलब फोर्स जो है वो पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ लग रहा है और इसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन का है। अब ये तो कांस्टेंट फोर्स हो गई कि हर बार फोर्स 10 10 10 ही है, क्या हर बार फोर्स 10 10 10 ही हो सकता है, क्या हर बार फोर्स 10 10 10 ही हो सकता है, नहीं हो सकता है, फोर्स वेरिएबल हो सकता है, फोर्स वेरिएबल हो। अब क्या करें, फोर्स वेरिएबल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो वेरिएबल चीज को तो हम लोग ऐसे दिखाते हैं ना, जैसे मैंने अभी ये देखो इक्वेशन क्या लिखी, y इक्वल टू 2x प्लस 3, इसका मतलब क्या है, मतलब यह है कि y वेरिएबल क्वांटिटी है, y x पर डिपेंडेंट है, x की वैल्यू आप चेंज करेंगे तो y की वैल्यू में बदलाव आएगा। तो अगर मुझे एक वेरिएबल फोर्स दिखाना हो तो मैं कैसे दिखाऊंगा, जैसे ये देखो यहां पर मैंने लिखा, देखिए यहां पर मैंने लिखा F इक्वल टू 20 एंड दूसरा लिखा मैंने F इक्वल टू 20x, तो ये जो है पहला वाला F इक्वल टू 20 ये क्या दिखा रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग कॉन्स्टेंट फोर्स, एंड ये जो दूसरा वाला है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरिएबल फोर्स, दिस इज रिप्रेजेंटिंग वेरिएबल फोर्स, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन में कॉन्स्टेंट फोर्स आएगा, कई बार वेरिएबल फोर्स आएगा, तो कैसे दिखाते हैं हम लोग, तो कुछ लोगों ने क्या कहा कि देखो यार हम तो बचपन से ही x y z ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर द वेरिएबल, एक काम करते हैं डायरेक्शन के लिए हम लोग i j k लगाएंगे, क्या करेंगे, डायरेक्शन के लिए हम लोग i j k लगाएंगे। अब ध्यान से सुनिए क्या चेंजेस मैं यहां पर कर रहा हूं, पहले मैं जब फोर्स की डायरेक्शन बता रहा था, अगर फोर्स पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ लग रहा था तो मैं x के ऊपर कैप लगा रहा था, करेक्ट। जब मैं दिखाना चाहता था कि फोर्स y एक्सिस की तरफ है तो मैं y के ऊपर कैप लगा रहा था, जब मेरे को दिखाना है कि z एक्सिस की तरफ है तो मुझे z के ऊपर कैप लगाना है, लेकिन x y z को हमने रिजर्व कर रखा है वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इसीलिए लोगों ने क्या कहा कि एक काम करते हैं x को ना, x की डायरेक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे i से, किससे रिप्रेजेंट करेंगे i से, y की डायरेक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे j से, माइनस x को माइनस i से एंड माइनस y को माइनस j से। सिमिलरली अगर z एक्सिस होगा,
जेड एक्स वाई जेड या जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस को हम लोग के से रिप्रेजेंट करेंगे और माइनस जेड एक्सिस को माइनस के से। तो अब देखो बदलाव क्या हुआ, सिर्फ एक छोटा सा, ये जो आप 10 न्यूटन एक्स के ऊपर कैप लगाते थे, अब एक्स ना लिख करके आप उसे लिखेंगे आई, क्या लिखेंगे उसे आई। सिमिलरली ये जो फोर्स जो 5 न्यूटन ऊपर वाई के डायरेक्शन में जा रहा था, तो वाई हटाइए एंड वाई की जगह पर लिखिए जे, करेक्ट। उसी तरीके से जो फोर्स नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा था 20 माइनस एक्स, इस माइनस एक्स को हटाइए और माइनस आई लिखिए। नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है 15 टूवर्ड माइनस वाई एक्सिस, इस माइनस वाई को हटाइए एंड इसकी जगह लिखिए जे। क्यों? क्योंकि एक्स वाई जेड हमने रिजर्व कर रखा है वेरिएबल के लिए, और अगर हम लोग डायरेक्शन के लिए एक्स वाई जेड का इस्तेमाल करेंगे तो यार फिर वेरिएबल कौन शो करेगा? एबीसी। आपने नॉर्मली सुना होगा, किया भी होगा, कि एबीसी अक्सर कांस्टेंट दिखाता है। यूं तो आपकी मर्जी है, आप बोल सकते हो कि नहीं नहीं ए यहां पर वेरिएबल है, बी वेरिएबल है, सी वेरिएबल है, लेकिन एक होता है ना, एक जैसे कन्वेंशन जिसको बोलते हैं कि आज तक बचपन से हम लोगों ने क्या किया है कि कहीं पर भी वेरिएबल बात आती थी हम लोग बोल देते थे लेट द पर्सन बी एक्स, लेट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बी एक्स, आप हर बार एक्स ही करते थे, आपको भी याद होगा ये चीज, हर बार एक्स एक्स। जैसे ये जो लीनियर इक्वेशन आती थी, आपने देखा नोटिस किया क्या, सारी लीनियर इक्वेशन में देखो एक्स वेरिएबल एक्स है, वाई है, जेड है, याद है? और जितने भी कॉन्स्टेंट होते थे उन सबको एबीसी से रिप्रेजेंट करते थे। इसलिए क्या किया गया कि एक्स को हटाया, डायरेक्शन को हम लोग आई जे के से दिखाते हैं। तो अगर कोई चीज पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी तो आप आई डाल देंगे कैप, जे की तरफ जेड एक्स वाई एक्सिस की तरफ जाएगी तो जे डाल देंगे, नेगेटिव की तरफ जाएगी तो माइनस जे, मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ तो माइनस जे, समझ गए ये चीज? ओके, तो अब इससे क्या फायदा हुआ, सुनिए अब इससे क्या फायदा हुआ। तो ये देखो, ये जो मैंने यहां पर लिखा फोर्स इक्वल टू 20 और साइड में लिखा था फोर्स इक्वल टू 20x, तो अब समझिए 20 मान लो ये फोर्स 20 न्यूटन का लग रहा है टुवर्ड पॉजिटिव x एक्सिस, तो मैं यहां पे लिखूंगा 20i और लगा दिया कैप, बाजू वाले को मैं लिख रहा हूं 20x और आगे मैंने लगा दिया कैप। तो इससे ये हुआ कि कांस्टेंट फोर्स, फोर्स इक्वल टू 20i, मतलब 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है आई के डायरेक्शन में, और जो इसका साइड वाला है वो क्या बता रहा है कि फोर्स लग रहा है 20x का इन द डायरेक्शन ऑफ आई। तो यहां पर डायरेक्शन की जो बात है वो भी आ गई, और साथ में आप एक कैटेगराइज भी कर पा रहे हैं कि ये पहला वाला इज एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट फोर्स और दूसरा वाला इज एन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल फोर्स, दूसरा वाला इज एन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल फोर्स, करेक्ट। और इनके ऊपर एरो लगाना मत भूलना, एरो इसके लिए बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटिंग वेक्टर क्वांटिटी। तो 20 न्यूटन तो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन क्या है आई, साइड वाले का देखो 20x न्यूटन इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या है आई, करेक्ट। ये चीज हो गई। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट टेढ़ा जा रहा हो, तो टेढ़ा जा रहा हो तो चलो ये हटा देता हूं मैं, इसकी जगह लेट से कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ ऐसा जा रहा है, मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट कुछ इस वे में जा रहा है, और ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है चलो जो भी है व्हाटएवर छोड़ दीजिए अभी, हाँ इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेट से ये फोर्स है एफ, ओप्स चला गया एक सेकेंड, हाँ लेट से कि ये जो फोर्स है ये है F, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हाउ टू रिप्रेजेंट दिस। तो क्या कीजिएगा, यहां पर देखिए क्या कीजिए, इसमें ना एक ट्राइंगल बनाइए, एक ट्राइंगल बनाइए इस वे में, और ग्राफिकली देखिए कि ये वैल्यू क्या है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है। आपने नोट किया कि ये जो डिस्टेंस है ये है 3 यूनिट, कैसे, ग्राफ से मेजर करके। मान लीजिए ये जो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट, चलो लिख ही देता हूं मैं, ये वाला जो पॉइंट है लेट से दिस इज 2 1, एक्स एक्सिस 2 है एंड वाई एक्सिस 1 है, मान लेते हैं दिस पॉइंट इज 2 1, और ये जो साइड वाला पॉइंट है, साइड वाला पॉइंट दिस इज 5 1, और ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, ऊपर वाला पॉइंट इज सपोज एक्स तो सेम रहेगा, यस दिस इज 5 7, एग्जाम्पल के लिए, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, टेक एन एग्जाम्पल। तो एक फोर्स थी जो कुछ ऐसे टेढ़ी जा रही थी, तो कैसे दिखाएंगे आप इसको, तो ये जो एक्स एक्सिस है दिस इज 3 यूनिट, देखो 2 से लेकर 5 के बीच में डिस्टेंस कितना 3 यूनिट, और ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस कितना 6 यूनिट है ना, तो ये कितना है 6 यूनिट। तो इस फोर्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यू विल रिप्रेजेंट इट लाइक दैट कि एफ इज इक्वल टू 3 यूनिट, आपको कहां जाना पड़ा 3 यूनिट, कहां जाना पड़ा एक्सिस की तरफ, तो 3 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ आई, प्लस 6 यूनिट आपको कहां जाना पड़ा ऊपर के डायरेक्शन में वाई एक्सिस की तरफ जाना पड़ा, तो 6 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ जे। सो ये है उस फोर्स का रिप्रेजेंटेशन,
3i+6j, करेक्ट, 3i+6j। एक और चीज जैसे देख लेते हैं, मान लीजिए कि ये एक फोर्स है कुछ ऐसी जा रही है, लेट से एक फोर्स ऐसी जा रही है, ये F1, ये F2, दिस वॉज द F1, दिस वन F2। अब इस F2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से सुनिए, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जस्ट मेक अ ट्राइंगल। ये देखिए, ये यहाँ से आपको एक ट्राइंगल बना देना है, राइट एंगल ट्राइंगल बना देना है, काउंट करिए, काउंट करने के बाद आपको मालूम पड़ा कि ये 2 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, और ये जो ऊपर वाला है ये 3 यूनिट है। लेट से आपने ग्राफ में पता किया कि ये जो है ये 2 यूनिट है और ऊपर वाला 3 यूनिट है, तो ऑब्जर्व करिए यहां पर इस पॉइंट से, देखो ये जो ग्रीन पॉइंट है, ग्रीन पॉइंट से शुरू करते हुए आपको अगर इस रेड पॉइंट तक पहुंचना है, ग्रीन पॉइंट से शुरू करते हुए रेड पॉइंट तक पहुंचना है, तो एक्स एक्सिस वाइज आपने कितना यूनिट ट्रेवल किया, 2 यूनिट, एंड वाई एक्सिस वाइज आपने कितना यूनिट किया ट्रेवल, 3 यूनिट। तो इस हिसाब से इसका जो इक्वेशन बनेगा, मतलब इक्वेशन नहीं, इसका जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बनेगा, F=2 यूनिट। क्या आपको माइनस आई में ट्रेवल करना पड़ा, जरा देखो, क्या आपको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रेवल करना पड़ा माइनस एक्स एक्सिस की तरफ, है नहीं, सही बात है, क्या आपको माइनस एक्स एक्सिस की तरफ ट्रेवल करना पड़ा, यस। प्लस क्या आपको 3 यूनिट प्लस जे की तरफ ट्रेवल करना पड़ा, जे की तरफ ट्रेवल करना पड़ा, इसलिए आप चाहो तो इसे लिख सकते हैं F=-2i+3j, बस -2i+3j, और आई जे के ऊपर कैप लगा देना, आई के ऊपर कैप, जे के ऊपर कैप। तो कुल मिला के जो मैंने अभी आपको बात बताई वो ये है कि डायरेक्शन दिखाने के लिए अगर कोई चीज पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रही है तो आई के ऊपर कैप लगाओ, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रही है तो J के ऊपर कैप लगाओ, पॉजिटिव Z एक्सिस के ऊपर मूव कर रही है, मतलब पॉजिटिव Z एक्सिस की तरफ मूव कर रही है तो उसके ऊपर आप K लगाएंगे, ठीक है, I J K, और अगर नेगेटिव तो इन सब के आगे माइनस कर दीजिए, माइनस X एक्सिस की तरफ होगा तो माइनस I, माइनस Y एक्सिस की तरफ होगा तो माइनस J, माइनस Z एक्सिस की तरफ तो माइनस K। क्लियर हो गई ये एक बात। और फोर्स का यहां पर देखो मैंने अलग अलग इंटरप्रिटेशन बता दिया, अगर कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ x एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है तो उसमें सिर्फ x एक्सिस वाला कंपोनेंट होगा, दैट मींस डायरेक्शन नाम पे सिर्फ i होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ y एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है तो डायरेक्शन नाम पे सिर्फ j होगा, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा मूव कर रहा है जैसे ये वाला पैटर्न या ये वाला पैटर्न या ये इस वे में, तो उनके पास दोनों कंपोनेंट होता है। जैसे देखिए कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसा मूव कर रहा है, जैसे देखिए डायग्राम में देखिए ये ऑब्जेक्ट ऐसा मूव कर रहा है तो इसमें देखिए ये x एक्सिस वाला कंपोनेंट भी है एंड ये y एक्सिस वाला कंपोनेंट भी है, इसीलिए ये क्या बन के आया F1 3i+6j, मतलब 3 यूनिट आपको x एक्सिस की तरफ मूव करना है और 6 यूनिट आपको j एक्सिस की तरफ मूव करना है। उसी तरीके से ये वाला जो एग्जांपल हो गया ये भी मैंने आपको दे दिया, ये देखो F=2-i+3j, तो नेगेटिव x एक्सिस की तरफ 2 यूनिट जाइए एंड पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ 3 यूनिट जाइए, तो फोर्स का जो दिखाने का वे क्या बन गया F=-2i+3j, करेक्ट। तो ये समझ में आया। एक और चीज, एक और एग्जाम्पल, जैसे लेट से कि एक फोर्स दिया हुआ है F=, मान लीजिए 5i दिया है, आपको यहां पर किसी ने सवाल पूछा कि बताओ भाई व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, इस केस में मैग्नीट्यूड क्या है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड इन दिस केस, तो मैग्नीट्यूड यहां पर है 5, करेक्ट, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन, जो इसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन तो भाई इसके जो मैग्नीट्यूड तो 5 है एंड डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, करेक्ट, ओके। लेकिन अगर किसी ने आपको क्वेश्चन ये दे दिया कि F=, लेट से आपको दिया है कि 3i+4j, और आपको यहां पर पूछा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ओवर हियर, अब आप क्या बोलेंगे, i की तरफ 3 मैग्नीट्यूड है, j की तरफ 4 मैग्नीट्यूड है, क्या आप यही बोलेंगे, I की तरफ 3 है, J की तरफ 4 है, नहीं, इन दिस केस मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे ऐसे √3² + 4² करके, तो √3² + 4² 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का कितना होता है 16, तो सॉल्व करेंगे तो 25 √25 कितना होता है 5, सो इस केस में द मैग्नीट्यूड इज 5, याद रखिए द मैग्नीट्यूड इज 5, और डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन देखिए जरा, आप एक्स एक्सिस की तरफ भी मूव किए, आप वाई एक्सिस की तरफ भी मूव किए, सो व्हाट विल बी द नेट डायरेक्शन, नेट डायरेक्शन होगा इधर पे, मतलब जो उसके हिसाब से आप बोलते थे ना नॉर्थ ईस्ट, जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ ईस्ट होगी, पर यहां तो नॉर्थ और ईस्ट का चक्कर नहीं है, ये तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो मतलब कि ये जो होगा ये एक्स एंड वाई के बीच में ऐसा जाएगा। खैर यहां पर आपको डायरेक्शन कोई पूछेगा नहीं क्योंकि सबको मालूम है
कि देखो वैसे ग्लोबली ग्लोबली तो आप बता सकते थे नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट ऐसा, पर यहाँ पर वो चीज पूछी नहीं जाएगी, सिर्फ इतना पूछा जाएगा आपको मैग्नीट्यूड क्या है। तो ये समझ में आया मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड। यहाँ पे डायरेक्शन इसलिए नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इसकी मल्टीपल डायरेक्शन, मल्टीपल मतलब जब रिजल्टेंट आएगा उसका तो टिपिकली एक ही डायरेक्शन होगा, लेकिन फिलहाल 3i और 4j, तो i एंड j दोनों की तरफ है इसका, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा एक्सेस की तरफ एंड वाई एक्सेस की तरफ, ये दोनों मतलब ये ऐसा कुछ इस तरफ ये डायरेक्शन बन करके आएगा, क्लियर है? तो मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा। अच्छा अगर ये 3 हुआ तो मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा कि ये लो एक काम करो एफ इक्वल टू 3i + 4j + 5k, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड आप निकालो। तो कैसे निकालोगे इसका मैग्नीट्यूड, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ओवर हियर? तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट 3² + 4² + 5² अंडर रूट 3² + 4² + 5² कर दीजिए एंड दैट्स ऑल, तो आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। क्लियर है, ये चीज समझ में आया? तो वेक्टर वो क्वांटिटीज होते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है, पहला पार्ट है मैग्नीट्यूड, दूसरा पार्ट है डायरेक्शन। अब डायरेक्शन को हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करके तो दिखाएंगे नहीं क्योंकि हम लोग बात करें पेपर की, तो पेपर कैसे डिवाइड होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरफ। तो अगर कोई चीज एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है तो नॉर्मली अभी तक हम लोग क्या बोलते थे कि भाई इतना यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इतना यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, लेकिन हम लोग एक्स और वाई का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसको हमने रिजर्व कर रखा है टू रिप्रेजेंट द वेरिएबल क्वांटिटीज। तो भाई डायरेक्शन कौन दिखाएगा, तो डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लोग आई जे के का इस्तेमाल करते हैं। एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा तो आई लगाएंगे, जे वाई एक्सिस की तरफ जाएगा तो जे, और जेड एक्सिस की तरफ तो के, और अगर नेगेटिव की तरफ जाएगा तो बस माइनस चिपका दीजिए उसके साथ, दैट्स ऑल, बात खत्म, क्लियर है? और किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो जो भी आई के आगे है, जे के आगे है, के आगे है, उनका स्क्वायर कर दीजिए, उनको ऐड कर दीजिए और रूट निकाल दीजिए। तो ये मैं आपको एक बार वापस बताने वाला हूं, तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो ये लिख लिया आप लोगों ने, पॉज करके लिख लिया, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है, जैसे आप लोग कहते थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ax² + bx + c, ये उसका तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, है ना? उसी तरीके से जैसे लीनियर इक्वेशन ax + by + c = 0, तो वेक्टर को भी रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होगा, है ना? तो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये देखिए, ये है एक वेक्टर ए, दिस इज द वेक्टर ए, एंड वेक्टर ए बना होगा ai + bj + ck से, ai + bj + ck। तो इस वे में एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, क्लियर है? ai + bj + ck, ai + bj + ck, इसका मतलब ए वेक्टर जो है वो ए यूनिट है इन द डायरेक्शन ऑफ आई, बी यूनिट है इन द डायरेक्शन ऑफ जे, सी यूनिट है इन द डायरेक्शन ऑफ के, करेक्ट? तो अगर किसी ने यहां पर पूछा कि भैया इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्या होगा? सो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर विल बी, अच्छा मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे शो करते हैं, हाउ टू शो अ मैग्नीट्यूड? जैसे ये वेक्टर ए है तो इसके ऊपर हम लोग ऐसा कर देंगे, ये ए एंड इसके ऊपर मॉडुलस लगा देंगे, मॉडुलस का मतलब ही मैग्नीट्यूड होता है। तो इसका जो फॉर्मूला बन करके आएगा दैट विल बी अंडर रूट a² + b² + c², ठीक है, याद रहेगा? जैसे ये राइट साइड में मैंने एग्जांपल दिया था वही है सेम, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट a² + b² + c². दूसरा यूनिट वेक्टर, ये कुछ कुछ पॉइंट्स है जो याद रखने पड़ेंगे आपको। दूसरा है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ए, ठीक है, यूनिट वेक्टर ए, सॉरी यूनिट वेक्टर, इसके ए के ऊपर कैप लगी होती है, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट का मतलब होता है वन, तो यूनिट वेक्टर का मतलब ये वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड वन निकल के आएगा, जिसका मैग्नीट्यूड वन निकल के आएगा, एंड इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय उसी का मॉड्यूलस। तो इससे जो बन के आता है दैट इज अ यूनिट वेक्टर, दैट इज अ यूनिट वेक्टर। सी द थिंग इज, मैं अगर आपसे बोलूं कि 100 न्यूटन को आप किससे डिवाइड करो कि वो 1 न्यूटन हो जाए, मेरा सवाल ये है कि 100 न्यूटन को आप किससे डिवाइड करोगे कि 1 न्यूटन हो जाए, 100 से 100 न्यूटन बाय 100 दैट इज 1 न्यूटन। मैंने आपको बोला कि 50 केजी को आप किससे डिवाइड करोगे कि वो 1 केजी हो जाए, तो 50 केजी बाय 50 दैट इज 1 केजी। उसी तरीके से मैंने आपको बोला
25 मीटर को आप किसे डिवाइड करोगे कि एक मीटर हो जाए, तो 25 मीटर को 25 से डिवाइड करेंगे, 25 मीटर बाय 25, दैट इज 1. तो जब आप किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो जो बन के आता है दैट इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर, उसको बोला जाता है यूनिट वेक्टर. एंड इसी चीज को डायरेक्शन वेक्टर भी बोला जाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्शन वेक्टर. इसी को हम लोग डायरेक्शन वेक्टर भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन. ओके, अब देखो जरा, एक साइड में मैं यहां पर लिखता हूं. अभी अभी आपने क्या पढ़ा था कि किसी भी वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड और साथ में उसका डायरेक्शन. ये देखिए, ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए में ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस, दिस इज द मैग्नीट्यूड. ये यहां पर मैग्नीट्यूड है और ये जो बच के आया है, मतलब जो साइड में है, ये डायरेक्शन है. करेक्ट. तो ये जो है ना, ये इसी को ही यूनिट वेक्टर कहा जाता है. ये जो डायरेक्शन वेक्टर है ना, इसी को ही यूनिट वेक्टर भी बोला जाता है. क्यों यूनिट वेक्टर? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड वन होता है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड वन होता है, इसीलिए इसको यूनिट वेक्टर कहा जाता है. क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड वन होता है तो वो वेक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं दिखाता, सिर्फ डायरेक्शन बताता है, सिर्फ डायरेक्शन बताता है वो. ओके, वो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता उसका मैग्नीट्यूड के साथ, पूरे वेक्टर के साथ, सिर्फ उसका काम है डायरेक्शन बताना. अब इसी चीज को देखो, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो यूनिट वेक्टर है इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड. यूनिट वेक्टर इज वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड. तो वेक्टर ले लो, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लो, तो बन के आएगा यूनिट वेक्टर. एक एग्जांपल जैसा देख लेते हैं, टेक एन एग्जांपल. एग्जांपल के लिए मान लीजिए एक वेक्टर यहां पर बता रखा है, चलो ये वेक्टर है पी वेक्टर, लेट्स से कि द वेक्टर इज पी वेक्टर, और पी वेक्टर बता रखा है 2i + 3j + 4k. एक एग्जांपल के लिए 2i + 3j + 4k आपको बोल रखा है इस पी वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर निकालिए, इस पी वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर निकालिए या फिर यूनिट वेक्टर निकालिए. तो यूनिट वेक्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पी वेक्टर को ये देखिए डायरेक्शन कैसे, पी के ऊपर एरो लगा, मतलब पी के ऊपर कैप लगा देंगे, दिस इज द कैप, और ये बन जाएगा पी वेक्टर डिवाइडेड बाय इसी का मैग्नीट्यूड. चलो सॉल्व करते हैं, तो पी वेक्टर है 2i + 3j + 4k, डिवाइड कर देंगे हम लोग अंडर रूट 2² + 3² + 4² अच्छा एक साइड में जरा सॉल्व कर लेते हैं कि अंडर रूट 2² कितना होता है, 4, 3² कितना होता है 9, 4² कितना होता है 16, 16 और 9 होता है 25, यही होता है ना, 6 और 6 = 12, 13 = 14 = 15, यस 25, 25 और 4 29, तो ये वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट 29. करेक्ट. तो ये देखिए, ये जो बन के तैयार हुआ ये हुआ यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 2i + 3j + 4k होल डिवाइडेड बाय, अच्छा होल डिवाइडेड बाय लिखो या अलग अलग लिखो क्या फर्क पड़ता है, अंडर रूट 29, है ना, क्योंकि देखिए अंडर रूट 2² + 3² + 4² का रिजल्ट क्या आएगा, रूट 29 आएगा, तो मैंने हर एक के नीचे रूट 29 कर दिया. अब ये क्या सबूत है कि आपने जो निकाला है ये यूनिट वेक्टर ही है, क्या सबूत है? तो सबूत यही होगा कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो वन निकल के आएगा. तो एक बार जरा इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखें, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, ये देखिए ये आई का जो आगे वाला हिस्सा है इसका स्क्वायर, प्लस ये जो जे के आगे वाला हिस्सा है इसका स्क्वायर, प्लस ये जो के आगे वाला हिस्सा है इसका स्क्वायर करके देख लेते हैं, है ना. यूनिट वेक्टर निकालने का क्या तरीका बताया था, मतलब ये मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका बताया था, अंडर रूट a² + b² + c² तो चलो पी का ये मैग्नीट्यूड निकाल के देख लेते हैं, है ना, मतलब ये जो है इसका, ये जो है ये यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख लेते हैं. तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट 2 / √29 2² + 3 / √29 2² + 4 / √29 2 किया. ओके जी, तो अब ये क्या बन के आया, 2 का स्क्वायर होता है 4 डिवाइडेड बाय रूट 29 का स्क्वायर क्या होगा 29, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, रूट 29 का स्क्वायर कितना होता है 29, 4 का स्क्वायर होता है 16, रूट 29 का स्क्वायर होता है 29. तो सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद होल डिनोमिनेटर 29 आएगा और न्यूमरेटर भी 29, तो कट होकर कितना हो गया 1, तो रूट ऑफ 1 कितना होता है 1. तो क्या मैग्नीट्यूड आपको 1 मिला, क्या मैग्नीट्यूड आपको 1 मिला, यस, इसीलिए तो इसे यूनिट वेक्टर कहा गया है. तो एक बार फिर से सुनिए, होता क्या है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ही डायरेक्शन वेक्टर होता है, इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड 1 आता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड दिखाने का काम तो किसी और का है, मैग्नीट्यूड दिखाने का तो काम किसी और का है, डायरेक्शन वेक्टर को क्या दिखाना होता है, ओनली डायरेक्शन, डायरेक्शन वेक्टर का काम है उसको सिर्फ डायरेक्शन दिखाना है, इसीलिए उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है इसीलिए उसे कहा जाता है यूनिट वेक्टर.
तो यूनिट वेक्टर क्या हो गया, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो जो बन के आता है दैट इज अ यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर की खासियत ये होती है कि अगर आप उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यूनिट वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यू विल फाइंड इट एज वन, यू विल फाइंड इट एज वन, ठीक है ना, इसलिए उसको यूनिट वेक्टर कहा जाता है। तो ये एग्जाम्पल मैंने इसके साइड में दे दिए हैं। अच्छा, आपको ये लग रहा होगा, जिन्होंने वेक्टर कभी पढ़ा नहीं, देखा नहीं, समझा नहीं, उनको लग रहा होगा कि ये क्या चीज़ है, ये बड़ी अजीब सी चीज़ है। लेकिन बिलीव मी, अगर आपको वेक्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है तो फिर आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होगा। अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सब क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट टाइम ये सब अजीब लगता है, ये सभी को लगता है, हम लोग को भी लगा था, जितने भी लोगों ने पढ़ा ना सबको लगा है, क्योंकि इसके साथ पहले कभी हम लोगों ने डील नहीं किया है। तो कोशिश कीजिए समझने का, डोंट रन आउट। नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दिया, नहीं ऐसा नहीं करना है। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो, वापस कर करके देखो एंड यू विल फाइंड इट इजी। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तीसरा, थर्ड पॉइंट, मैग्नीट्यूड हो गया, यूनिट वैक्टर हो गया, तीसरा इक्वल वैक्टर, द थर्ड वन इज इक्वल वैक्टर। अब भाई इक्वल वैक्टर क्या होते हैं, इक्वल वैक्टर्स, तो इक्वल वैक्टर वो वैक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होता है। दो अलग अलग वेक्टर हैं एंड उनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम है। चाहिए तो आप इसके डेफिनेशन लिख सकते हो इक्वल वेक्टर के, इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स आर सेम, तो हम उन्हें कहेंगे इक्वल वेक्टर। ओके, जैसे मान लीजिए फोर्स 10 न्यूटन आई, दूसरा फोर्स 10 न्यूटन आई, देखो पहला फोर्स लेट से F1 है, F1 10 न्यूटन आई, F2 भी 10 न्यूटन आई, तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है 10 10 न्यूटन और डायरेक्शन भी सेम है। ओके, इसीलिए वो कहलाएंगे इक्वल वैक्टर। मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। उसके बाद चौथा, को इनिशियल वेक्टर, मतलब ये वो वेक्टर होते हैं जिनका स्टार्टिंग सेम होता है। को इनिशियल, आपने सुना है ये को वर्किंग स्पेस, कभी सुना होगा ये वर्ड, कोलीग, ये वो हैं जो साथ में काम करते हैं, एक ही साथ रहने वालों को बोलते हैं को एक्टर, को स्टार्स, जो साथ में हैं आपके साथ, है ना। तो को इनिशियल मतलब जिनका इनिशियल सेम है, को इनसाइड कर रहा है, तो आप ये बोल सकते हो को इनिशियल वैक्टर मतलब इफ बोथ द वैक्टर्स, अब दो हैं तो दो, तीन हैं तो तीन, चार हैं तो चार, इसलिए मैंने लिखा है बोथ, ठीक है, बोथ एक्चुअली दो के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर ज़्यादा भी हो तो भी चलेगा। इफ बोथ वैक्टर्स हैव सेम इनिशियल पॉइंट, दो वेक्टर का अगर सेम इनिशियल पॉइंट है तो उन्हें हम को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। ओके, इस चीज को मैं हटा दूं, ये जो मैंने राइट साइड में लिख रखा है ये आपने शायद कॉपी कर दिया होगा, ये देखिए ये वाला पार्ट कॉपी कर दिया होगा, तो इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है ना, और अगर नहीं किया है तो वीडियो रिवाइंड करके इसको पॉज कर दीजिए, लेट मी रिमूव दिस ताकि मैं आपको यहां पर बता सकूं। तो देखिए, सपोज एक वेक्टर है, ये यहां से निकल रहा है, दिस वेक्टर इज वेक्टर पी, एंड ये दूसरा वेक्टर है क्यू, तो ये दोनों कहलाएंगे को इनिशियल वैक्टर, क्योंकि इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है, इसीलिए ये को इनिशियल वैक्टर होंगे। इक्वल वैक्टर के लिए क्या था कि देखिए, एक वैक्टर अगर इधर जा रहा है और दूसरा वैक्टर भी उधर ही जा रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो वो कहलाएंगे इक्वल वैक्टर। बाकी यूनिट वैक्टर तो मैंने बता दिया, मैग्नीट्यूड वाला वो सब बता दिया। उसके बाद पांचवा पॉइंट, पोजिशन वैक्टर। पोजिशन वेक्टर मतलब जो किसी भी पॉइंट की या किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताता हो, ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि पोजिशन वेक्टर इज द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन वेक्टर फॉर्म। अब एक एग्जांपल के लिए समझिए, देखिए ये मैंने एक ग्राफ बनाया, दिस इज अ ग्राफ, इसमें ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट मुझे पता चला 2, 3, एक एग्जांपल के लिए, और ये था पॉइंट पी। तो आज तक आप क्या बताते थे कि पॉइंट पी का जो लोकेशन है, पोजीशन है, वो 2, 3 है,
लेकिन जब इसी चीज को आप वेक्टर फॉर्म में दिखाएंगे तो आप रिप्रेजेंट करेंगे p वेक्टर s 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j। इसका मतलब जानते हो क्या है? मतलब उसका यह है कि अगर p तक पहुंचना है, p तक पहुंचना है तो दो यूनिट आपको x एक्सिस की तरफ जाना पड़ेगा एंड तीन यूनिट आपको y एक्सिस की तरफ जाना पड़ेगा। सही बात है, दो यूनिट आप x एक्सिस की तरफ जाइए, तीन यूनिट y एक्सिस की तरफ जाइए, बस मिल गया पॉइंट p। तो ये जो पॉइंट p है, दिस इज कॉल्ड एज पोजिशन वैक्टर। ये एक पोजिशन है, ये एक पॉइंट है, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन द वेक्टर फॉर्म इज नोन एज पोजिशन वेक्टर। इसी के साथ एक और है यहां पर, छठवां डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या फिर लाइन वेक्टर। लाइन वेक्टर इसलिए क्योंकि एक तो पॉइंट हो गए, और पॉइंट को अगर हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो उसे क्या बनके तैयार होगा? उसे बनके तैयार होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट इज लाइन वेक्टर। तो अब जरा इसको नोटिस करिए, जरा ये देखिए, जैसे ये यहां पर, इसको हटा देता हूं मैं, ये यहां पर पॉइंट P है एंड यहां पे एक और पॉइंट मार्क किया गया। मान लीजिए ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, करेक्ट। Q के कोऑर्डिनेट हैं मान लो 9 15, मान लो Q के कोऑर्डिनेट है 9 15। तो अगर किसी ने बोला कि पोजिशन वेक्टर ऑफ P क्या है, 2i प्लस 3j, व्हाट इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ Q? Q का पोजिशन वेक्टर कितना है? 9i प्लस 15j, करेक्ट। ओके जी, ये हो गया। अच्छा, एरो बनाना मत भूलना इसमें। अब सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, सवाल यहां पर ये है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ। क्या पूछा गया है? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप P एंड Q को ज्वाइन कर देते हैं तो इससे जो बन के आएगी लाइन, दैट विल बी कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, दिस विल बी नोन एज PQ वेक्टर। देखो, पॉइंट P है 2i प्लस 3j, पॉइंट Q है 9i प्लस 15j, बट PQ क्या है? व्हाट इज PQ? व्हाट इज PQ? तो मैं यहां पर साइड में बना रहा हूं, PQ क्या होगा? PQ होगा Q माइनस P। तो ये याद रखिए, PQ क्या होगा? Q माइनस P, क्योंकि आप P से स्टार्ट कर रहे हैं और Q पे जा रहे हैं, आप P से स्टार्ट करके Q पे जा रहे हैं, इसलिए PQ क्या होगा? Q माइनस P। तो चलो, Q माइनस P मतलब, ओके, तो ये है, देखो Q का वैल्यू कितना है, 9i प्लस 15j, ओके, माइनस 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j। तो सॉल्व करने के बाद ये कितना है, 9i माइनस 2i, देखो i के साथ सबट्रैक्ट होगा, 9 माइनस 2 7, तो 7i, 15 माइनस 3 12, तो 12j। तो इस हिसाब से हमें जो ये PQ वेक्टर मिला ना, हमें ये जो PQ वेक्टर मिला, दिस इज 7i प्लस 12j। तो याद रखिए ये चीज कि ये जो पॉइंट P था, ये जो पॉइंट P हो गया, ये जो Q हो गया, दिस वर द एग्जांपल ऑफ पोजिशन वेक्टर। ये पोजिशन वेक्टर के एग्जांपल थे, मतलब ये पॉइंट थे। लेकिन जब मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूं, उससे ये जो लाइन बन के आती है PQ, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या फिर दैट इज अ लाइन वेक्टर। इसके डेफिनेशन आप चाहो तो लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, कि द लाइन ज्वाइनिंग टू डिफरेंट पोजिशन वेक्टर। तो लाइन ज्वाइनिंग टू डिफरेंट पोजिशन वेक्टर, द लाइन ज्वाइनिंग टू डिफरेंट पोजिशन वेक्टर इज कॉल्ड एज लाइन वेक्टर। तो मैंने देखो P एंड Q को कंबाइन किया, तो P एंड Q को कंबाइन करने से क्या मिला? PQ। अब कंबाइन का मतलब ये हो गया कि जोड़ दिया, लाइन से जोड़ दिया, बट एक्चुअली मैंने सेपरेट किया है ना। PQ निकालने के लिए क्या होगा? Q माइनस P। PQ निकालने के लिए क्या होगा? Q माइनस P। तो मैं Q से P को माइनस कर दूंगा तो उससे बन के आएगा वेक्टर PQ। और ये PQ क्या है? PQ इज अ लाइन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। P क्या था? पोजिशन वेक्टर, पॉइंट था वो। Q क्या था? पोजिशन वेक्टर, पॉइंट था वो। जबकि PQ क्या है? PQ इज अ लाइन वेक्टर। सो PQ इक्वल टू Q माइनस P। अच्छा, यही अगर किसी ने QP पूछा होता तो QP का मतलब क्या हुआ? शुरुआत आपने Q से करी और फाइनली कहां पर पहुंचे? P में। ये देखो, मैं यहां पर बना देता हूं, उल्टा जा रहे हैं इस बार आप उल्टा जा रहे हैं, है ना, ये हटाइए। अच्छा, इस बार आप उल्टा जा रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो पहले PQ था, तो अब क्या हो जाएगा? QP हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शुरुआत इस बार आप Q से कर रहे हैं और जा कहां पर रहे हैं?
कहां पे जा रहे हैं, पी पे जा रहे हैं, तो जहां से शुरुआत होती है उसको पहले लिखा जाता है और जहां गए वो बाद में लिखा जाता है, करेक्ट। तो अगर क्यू से शुरू किए हैं और पी पे एंड किए हैं, मतलब यहां पर मैं लिख देता हूं ये जो चीज है, यहां से आपने स्टार्ट किया और इधर पे आके एंड किया, तो क्योंकि आपने स्टार्ट क्यू से किया एंड पी पे किया, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा फाइनल माइनस इनिशियल, पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू। तो क्यू पी क्या होगा, पी माइनस क्यू, क्योंकि देखो जब भी आप चेंज निकालते हो, बदलाव निकालते हो, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हो। अगर कोई बोले व्हाट इज द चेंज, तो चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो क्यूपी का मतलब क्या है कि क्यू से निकले पी में गए, तो फाइनली कहां पहुंचे, पी में पहुंचे, इसलिए पी माइनस क्यू होगा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, करेक्ट। और जब ये पी क्यू था, पी क्यू मतलब पी से निकले और क्यू में गए, तो क्यू फाइनल था, इसलिए क्यू में से पी सबट्रैक्ट होता था, ये याद रहेगा। PQ क्या होगा, What will be PQ? Q minus P. And QP क्या होगा, P minus Q. And ये जो QP है and PQ है, What are these? These are the displacement vector, these are the line vector. जबकि individually point P क्या था, position vector. Q क्या था, position vector. Correct? तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा कुछ कुछ पॉइंट्स आपको और मिलेंगे, जैसे कॉलिनियर वेक्टर करके भी है, चाहो तो लिख सकते हो नहीं तो याद रख लो। कॉलिनियर वेक्टर मतलब क्या, दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड जो भी हो, जिनका मैग्नीट्यूड जो भी हो लेकिन पैरेलल होने चाहिए, जिनका मैग्नीट्यूड चाहे जो भी हो बट दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, आर नोन एज कॉलिनियर वेक्टर्स। सो दिस वाज द एंड ऑफ द टॉपिक। नॉलेज होना अलग है एंड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना अलग। तो अगर आप किसी भी टॉपिक की और डिटेल जानकारी चाहते हैं या फिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर बोर्ड एंड एंट्रेंस, तो डाउनलोड कीजिए पुरशोरा क्लास ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर, या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यहाँ पे आपको ढेर सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, वो भी बहुत ही नॉमिनल प्राइस में। एंड फाइनली प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर न्यू नोटिफिकेशन।